हेलो बच्चों, आपके ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने ये दो बुक ऑर्डर की है। ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है और इसमें आपके दो पार्ट्स में सारे सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं। पहली बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर है, और इसकी जो दूसरी बुक है उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, पेपर 1, पेपर 2, हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो इस बुक को मैंने देखा है और मुझे ये अच्छी लगी बुक, और आप अपने रिवीजन के लिए इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका रिड्यूस सिलेबस है ICSE बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ही सारे चैप्टर को कवर किया गया है, और इसमें जो ICSE बोर्ड के जो सैंपल पेपर थे जो अभी कुछ दिनों पहले रिलीज़ हुए थे, उनको पूरा सॉल्व किया गया है। उसके बाद चैप्टर वाइज इसके अंदर MCQ दिए गए हैं। जैसे हम फिजिक्स का ये देखें, पहला चैप्टर फोर्स का है, तो इसमें इनिशियली पूरे चैप्टर की समरी चैप्टर एट ए ग्लांस दिया हुआ है। फिर उसके बाद उसमें काफ़ी मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर उनके केवल उसमें आंसर ही नहीं दिए हुए हैं, उसको मतलब एक्सप्लेन भी किया हुआ है उन्होंने, और एंड में हर चैप्टर के वर्ड ऑफ एडवाइस दी हुई है। तो अच्छा है, बेसिकली आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो टेक्स्ट बुक से ही करनी चाहिए, मगर अगर आपने अपनी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है उसको यदि अच्छी तरह पढ़ लिया है तो आप पेपर आसानी से कर पाएंगे। इसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगे, लेकिन इससे आपको अपने पूरे कोर्स को, जो भी सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है, उसको रिवाइज़ करने में हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से इसमें मैथ्स में आपको दिखाता हूँ, मैथ्स का पोर्शन मैंने देखा था, मुझे काफ़ी पसंद आया। जैसे ये पहला चैप्टर GST का है, तो इसमें इनिशियली थोड़ा थ्योरी दे रखी है चैप्टर एट ए ग्लांस, उसके बाद इसमें काफ़ी सारे MCQ दे रखे हैं, और हर तरीके के प्रॉब्लम्स को इसमें कवर किया गया है, और इसमें जो आंसर भी दे रखे हैं और उसके साथ उसका कम्प्लीटली उनको सॉल्व भी किया हुआ है, और हर चैप्टर के मोर देन 50, 60, 70 इस तरीके से MCQ दिए गए हैं। तो और सेकंड बुक में भी काफ़ी अच्छी तरीके से हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह इन सबको कवर किया हुआ है। हिंदी का काफ़ी मतलब इसमें MCQ दे रखे हैं, तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और इन बुक्स को मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मतलब डिस्काउंट भी दे रखा है इस वक्त। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। होप दे इन बुक से आपको हेल्प मिलेगी और आप अच्छे मार्क्स बोर्ड के एग्ज़ाम में लेके आएंगे। थैंक यू।